हाई एवरीवन, वेलकम बैक टू इन पिक्चर्स। आज मैं आपको बताने वाली हूँ नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल पे जो डिफरेंट स्कॉलरशिप्स है उसकी लास्ट डेट क्या है, प्लस कौन किस स्कॉलरशिप पे अप्लाई कर सकता है। बट स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देती हूँ, नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल दैट इज NSP पे ऑलरेडी एक प्लेलिस्ट है और वहाँ पे आप वन बाय वन एक एक स्कॉलरशिप के बारे में डिटेल में समझ सकते हैं, कैसे अप्लाई करना है। अप्लाई करने का जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है वो भी एक सेपरेट वीडियो में डिस्कस किया गया है। अगर आप UG लेवल पे कोई भी डिग्री कोर्स कर रहे हैं, अभी आप स्कूल में हैं, क्लास फर्स्ट टू ले क्लास 12th तक किसी भी क्लास में हैं, प्री मेट्रिक पोस्ट मेट्रिक के लिए अप्लाई कर सकते हैं। NSP पे डिफरेंट स्कॉलरशिप्स, ये एक ऐसा कॉमन प्लेटफॉर्म है जहाँ पे डिफरेंट गवर्नमेंट स्कॉलरशिप आपको देखने को मिलेगा, जिसकी एप्लीकेशन अभी फिलहाल चल रही है, लेकिन बहुत जल्द ही कुछ स्कॉलरशिप की डेडलाइन जाने वाली है। एंड यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट स्कॉलरशिप भी मिलता है, तो अगर आप किसी पर्टिकुलर स्टेट से बिलोंग कर रहे हैं जो कि इस NSP में मेंशन किया गया है, उन स्कॉलरशिप के लिए या फिर उन स्टेट स्कॉलरशिप के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहले आपको ये चेक करना होगा कि किस स्टेट के लिए आप एलिजिबल हो या किस सेंट्रल सेक्टर स्कॉलरशिप या सेंट्रल स्कॉलरशिप के लिए आप एलिजिबल होंगे। वीडियो को पूरा देखिएगा, यहाँ हम सारे ही लगभग स्कॉलरशिप की लास्ट डेट चेक करेंगे एंड इंस्टीट्यूट वेरिफिकेशन के बाद फर्दर जो वेरिफिकेशन होंगे वो वहाँ से पास आउट हो जाता है एंड बाकी आगे का आपको कोई प्रोसेस नहीं करना है। सो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कर लेना है टाइम से पहले एंड इंस्टीट्यूट वेरिफिकेशन कर लेना, ठीक है। और इसके अलावा कोई भी डाउट है NSP नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल से रिलेटेड या फिर इसके किसी भी पर्टिकुलर स्कॉलरशिप के बारे में डिटेल में आप जानना चाहते हो तो वो भी आप हमें बता सकते हैं। सो स्टार्ट करते हैं। तो नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल को मैंने ओपन कर लिया है, ये ऑफिशियल साइट है, यहाँ पे ही आपको रजिस्ट्रेशन करना होता है। फ्रेश या न्यू रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको यहाँ पे क्लिक करना होगा एंड देन इस पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे अंडरटेकिंग पे टिक करने के बाद कंटिन्यू करना होता है एंड कुछ बेसिक डिटेल्स आपको यहाँ पे फिल करनी होती है जिसके थ्रू आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। एंड उसके बाद आपको स्कॉलरशिप सजेस्ट किया जाता है जो भी प्रेजेंट टाइम पे अवेलेबल होता है और जो आपके क्वालिफिकेशन को मैच करता है। अगर हम स्कॉलरशिप की बात करें, सबसे पहले यहाँ पे आप देख पाओगे सेंट्रल स्कीम्स से, UGC AICT स्कीम्स एंड स्टेट स्कीम्स। सेंट्रल स्कीम्स की लास्ट डेट ऑलमोस्ट 31st October है। अगर हम माइनॉरिटी अफेयर्स की बात करें तो जो भी माइनॉरिटी के अंडर आते हैं वो इन स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल होते हैं। प्री मेट्रिक पोस्ट मेट्रिक मेरिट कम मीन्स स्कॉलरशिप है, बेगम हजरत महल है, इन सभी की लास्ट डेट 31st October है एंड इंस्टीट्यूट वेरिफिकेशन लास्ट डेट है 15 November, ठीक है। तो ये दो डेट आपको ध्यान रखना है एंड अगर इसके बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं तो यहाँ पर गाइडलाइंस FAQ के थ्रू भी समझ सकते हैं। वैसे तो बहुत सारे वीडियोस ऑलरेडी इस चैनल पे हैं, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में ही कहा है कि प्लेलिस्ट आप चेक कर सकते हो। अगर आप यहाँ पे आप नहीं समझ पा रहे तो उस वीडियो के थ्रू भी समझ सकते हैं। तो इसकी लास्ट डेट 31st है, लेकिन सभी की लास्ट डेट 31st October नहीं है। और अगर अलग डिपार्टमेंट की बात करें, डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज, जो लोग भी डिसेबिलिटीज़ के अंडर आ रहे हैं वो इन सभी स्कॉलरशिप्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लास्ट डेट वही सेम है एंड मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, ये कुछ स्कॉलरशिप है टॉप क्लास एजुकेशन स्कीम फॉर SC स्टूडेंट्स, उनके लिए यहाँ पे आप देख पाओगे 31st October लास्ट डेट है। उसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के लिए यहाँ पे दो स्कॉलरशिप है, लास्ट डेट आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स, जो लोग भी ट्राइबल अफेयर्स के अंडर आ रहे हैं, यहाँ पे एक स्कॉलरशिप है, इसके लिए आपको अप्लाई करना होता है। डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी है, देन डिपार्टमेंट ऑफ हाई एजुकेशन, उसके बाद है आपका ये कुछ स्कॉलरशिप है जो RPF या RPSF के अंडर आ रहे हैं जिनके पेरेंट्स, सो सेंट्रल आर्म्ड फोर्स या फिर CRPF कह सकते हैं, आसाम राइफल्स, अगर आपके पेरेंट्स डिफेंस फील्ड में हैं तो उन सभी स्टूडेंट्स को यहाँ पे अप्लाई करना होता है। तो सभी की लास्ट डेट आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। दूसरी तरफ अगर हम UGC AICT स्कीम्स की बात करें तो यहाँ पे ईशान उदय, PG इंदिरा गांधी, PG स्कॉलरशिप फॉर यूनिवर्सिटी रैंक होल्डर्स, मास्टर्स कोर्स के लिए भी यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं एंड इन सभी की लास्ट डेट 31st October ही है, ठीक है। बट अगर हम स्टेट की बात करेंगे तो उसके लिए डिफरेंट डेट्स आपको देखने को मिलेगा और ये बाकी स्कॉलरशिप भी आप देख सकते हैं। इन सभी स्कॉलरशिप का अपना एक ऑफिशियल साइट होता है जिसके थ्रू भी आप डिटेल में जान सकते हैं। स्टेट स्कीम्स की बात करें तो यहाँ पे आप देख पाओगे प्री मेट्रिक स्कॉलरशिप है फॉर ST स्टूडेंट्स, SC स्टूडेंट्स, डिफरेंट कैटेगरी वाइज आप यहाँ पे देख पाओगे। ये आसाम के लिए है और इसकी जो लास्ट डेट है आसाम की वो 15 November है अप्लाई करने के लिए, लेकिन इंस्टीट्यूट वेरिफिकेशन लास्ट डेट है 30 November, ठीक है।
तो स्टेट वाइज आपको चेक करना पड़ेगा, और इतने ही स्टेट से इन्हीं स्टेट्स के लिए आप स्टेट वाइज स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अंडमान एंड निकोबार के लिए आप देख सकते हो ये स्कॉलरशिप ओवर हो चुकी है। सो कई सारे स्कॉलरशिप्स है जिसकी डेट क्लोज हो चुकी है, वो आपको यहाँ पे चेक करना होगा, ठीक है। बाकी अदर जो स्टेट्स है वो यहाँ पे मेंशन नहीं है। सो आप सेंट्रल स्कीम्स या फिर UGC AICTE स्कीम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और कोई भी डाउट है इन स्कॉलरशिप से रिलेटेड, डेफिनेटली आप हमें कॉमेंट कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीक। थैंक यू सो मच एंड टेक केयर।